पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है। पाकिस्तानी सैनिकों ने 28 जून की देर रात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों ने इस बात की जानकारी आज तक को दी है। उन्होंने बताया है कि भारतीय सेना ने इस उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों ने बताया कि कृष्णा घाटी में एक भारतीय चौकी पर सीमा पार से गोलीबारी की सूचना मिली, जिसके बाद LOC पर तैनात सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर तक चली गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। सूत्रों ने कहा, पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हालिया सीज फायर उल्लंघन घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को कवर फायर देने का एक प्रयास हो सकता है। हमले के बाद LOC पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा कि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की किसी भी संभावित घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए निगरानी बढ़ा दी है और इलाके की तलाशी भी चल रही। पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से ये फायरिंग ऐसे वक्त पर हुई है जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन ने कहा है कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 52 दिवसीय तीर्थ यात्रा 29 जून को दो मार्गों अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल में 14 किलोमीटर छोटे लेकिन खड़ी बालटाल मार्ग से शुरू हुई। ये यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। वहीं आपको बता दें, जम्मू क्षेत्र 9 से 12 जून के बीच रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 आतंकी घटनाओं से दहल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 7 तीर्थयात्रियों और 1 CRPF जवान सहित 10 लोगों की मौत भी हो गई थी। कठुआ जिले में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। इस हफ्ते की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक वन क्षेत्र में 6 घंटे से अधिक समय तक चली मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर जब माहौल शांत होता दिख रहा था तो पाकिस्तानी सैनिकों ने कृष्णा घाटी सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू भी कर दी। हालांकि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इसके पीछे क्या चाल हो सकती है ये भी भली भांति समझा जा सकता है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी सैनिकों ने ऐसा क्यों किया? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।